हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ टूटी फ्रूटी की रेसिपी। देखिए, आगे एंड तक देखते रहना। सबसे पहले हम एक बड़ा सा कच्चे पपीते ले लेंगे। इसे अच्छे से धो लेंगे, इसे इस तरह से पील कर लेंगे, सारे छिलके निकाल लेंगे। इसे हम 20 से 2 टुकड़े कर लेंगे और इसके अंदर के बीज हम निकाल लेंगे। इस तरह से आप चम्मच से इस तरह से आप इसके बीज निकाल सकते हो। तो मैंने इस तरह से निकाल दिए और इसे पतले पतले पीसेस में लंबे लंबे काट के फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, आपको अगर मोटे दाने पसंद है तो आप मोटा मोटा काट सकते हैं। मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस किए थे, मुझे अच्छे लगते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं और इसे इकट्ठे करके एक बाउल में रख सकते हैं। देखिए मैंने किस तरह से किए हैं। तो इसे सबसे पहले हम इसे 1 कप पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। इस तरह से हम ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसे हम 5 मिनट तक बॉईल करना है। फिर हम एक पतीले में 2 कप चीनी डाल देंगे, इसके हम चाशनी बनाएंगे। 2 कप चीनी में हम 2 कप पानी डालेंगे। इसे हो गया है, चाशनी हो गया है। इसे हम बॉईल किए हुए छोटे छोटे पपीते को इस तरह इसमें डाल देंगे। इसके एक उबाल आने तक हम इसे बॉईल करेंगे, जब तक ये चीनी चाशनी से थोड़ी सी तार ना निकल आए। देखिए किस तरह से पतली तार निकल आई है। इसी तरह हम इसे बॉईल करते रहना है। फिर हम इसमें 1 चुटकी वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसे अच्छे से 3 या 4, आप जितने कलर से आपके पास उसी हिसाब में आप इसे बाउल में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर हम अलग अलग कलर में हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है, थोड़ी सा ऑरेंज कलर में डाला है, फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। देखिए आपके पास जो कलर अवेलेबल है आप उसी कलर से आप बना सकते हैं। ये मार्केट में बहुत इजीली मिल सकती है, ये कलर फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 12 आवर्स के लिए इस तरह से टिश्यू पेपर में डाल के रख दिए थे ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। इसके वाटर जो थोड़ी वाटरी रहती है, तो इसे हम सोक करने के लिए 12 आवर तक हम इसे रख सकते हैं। तो फिर इसे हम अच्छे तरह से बड़े बाउल में मिक्स कर लेंगे सारे कलर। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खिले खिले हो गए हैं। देखिए इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसी तरह से घर पे बना के अपने टूटी फ्रूटी कर सकते हैं और किसी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, केक में या बच्चों को ऐसे कुछ भी बना के आप दे सकते हो। देखिए कितने कलरफुल, कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बने रहिए ऐसे, इसी तरह से मैं आपके पास लेके आऊँगी अच्छी अच्छी रेसिपी। तब तक के लिए बाय।